हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम केमिकल्स, देयर प्रिपरेशंस एंड देयर यूजेस. बेटा आज हम कुछ केमिकल्स हैं इम्पॉर्टेंट आपके इस चैप्टर में जिन्हें कवर किया गया है, उनके बारे में थोड़ा सा, उनके प्रिपरेशन के बारे में और उनके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे. राइट, तो सबसे पहला केमिकल है सोडियम हाइड्रोक्साइड. बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कैपिटल एन स्मॉल ए से बेटा सोडियम को डिनोट किया जाता है और OH से हाइड्रोक्साइड आयन को. तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला रहता है. इसे और क्या बोला जाता है, कास्टिक सोडा. सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉमनली कास्टिक सोडा भी बोल देते हैं. सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है बेटा एक बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट बेसिक केमिकल है, जिसका इस्तेमाल बहुत सारी और केमिकल्स बनाने के लिए किया जाता है. और इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड को इंडस्ट्रीज वगैरह में भी काफी यूज किया जाता है. तो आइए इसकी प्रोडक्शन देख लेते हैं कि इसकी प्रिपरेशंस क्या रहती हैं. प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अ कंसेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड बेटा क्या होता है, जो हमारे पास NaCl, जो हमारे मतलब कि किचन में भी होता है नमक, जिसे आप लोग बोल देते हैं. तो बेटा नमक का एक्वस सॉल्यूशन जो बहुत ज्यादा कंसेंट्रेटेड हो, यानी कि उसमें जो ये सोडियम क्लोराइड की मात्रा है वो बहुत ज्यादा हो, उसे क्या आप बोल देते हैं, ब्राइन. ब्राइन सॉल्यूशन भी बोल देते हैं उसे. ठीक है, उस सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलिसिस पर बनता है ये. तो देख लेते हैं ये इलेक्ट्रोलिसिस क्या है. कहते हैं जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाती है इस कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में से सोडियम क्लोराइड के, या आप बोल लीजिए ब्राइन सोल्यूशन में से, तो वो सोल्यूशन डिकम्पोज हो जाता है, यानी कि टूट जाता है, विभाजित हो जाता है टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन. सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए, क्लोरीन बनाने के लिए और हाइड्रोजन बनाने के लिए. केमिकल इक्वेशन देखते हैं बेटा. NaCl ब्राइन सॉल्यूशन, एक्वस मींस वाटर में है. उसके बाद वाटर जो हमारे पास है, मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई गई इस ब्राइन सॉल्यूशन के अराउंड. राइट, अब ये डिकम्पोज हो गया, टूट गया. Na और वाटर ने क्या दे दिया, OH, NaOH बन गया हमारे पास. ठीक है, इसके अलावा Cl2 और इसके अलावा हाइड्रोजन गैस, ये चीजें बनी. द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस. बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जामिनर आपसे प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं पूछेगा, वो ये पूछ लेगा कि क्लोर एल्कली प्रोसेस में हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं. वो इनडायरेक्टली आपसे पूछ लेगा, इसलिए ये याद रखना बहुत जरूरी है कि सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को और किस नाम से जाना जाता है, क्लोर एल्कली प्रोसेस से. क्यों, क्योंकि एक तो इसमें क्लोरीन बनती है, Cl ये क्लोरफॉर क्लोरीन बनती है, और दूसरा एल्कली किसे बोल रहे हैं, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड को. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बन रही है इस प्रोसेस के दौरान. तो इस प्रोसेस को और किस नाम से बोल दिया जाता है, क्लोर एल्कली. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है. उसके बाद है यूजेस, यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल बहुत सारी चीजों में किया जाता है. सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज फॉर मेकिंग सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, सोप्स और डिटर्जेंट्स बनाने के लिए. इट इज यूज फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर्स, ये कपड़े बनाने के लिए, ज्यादातर रेयन का जो आपका फाइबर होता है, कपड़ा होता है, उसे बनाने में इस्तेमाल किया जाता है. इट इज़ यूज इन मैनुफैक्चरिंग ऑफ पेपर, पेपर इंडस्ट्री में जहाँ पे कागज बनता है वहाँ भी इसका इस्तेमाल होता है बेटा. ये इसका इस्तेमाल यूज इन प्योरीफाइंग बॉक्साइट ओर. बेटा जो हमारे पास धरती के नीचे जो खदाने हैं, है ना, उनमें से मेटल निकालने के लिए, फ्रॉम विच एल्यूमिनियम मेटल इज एक्सट्रैक्टेड. देखिए एल्यूमिनियम की जो मेटल है वो एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है. इसके साथ प्यूरिफिकेशन की जाती है. ठीक है बेटा, उसके बाद है इट इज यूज्ड इन डीग्रीसिंग मेटल्स, ऑयल रिफाइनिंग, मेकिंग डाइज एंड ब्लीचेस. देखिए आपके पास ऑयल को रिफाइन करने में, डाइज बनाने में, ब्लीचेस बनाने में, इन सब चीजों में भी जो है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. उसके बाद हमारे पास आ जाता है बेटा नेक्स्ट वॉशिंग सोडा. वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी बोल दिया जाता है बेटा इसे. क्यों, क्योंकि इसमें सोडियम है, कार्बोनेट है, डेकाहाइड्रेट यानी कि 10, डेका मींस 10, 10
जो है इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, कंटेनिंग 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, दैट इज वाई डेका हाइड्रेट, हाइड्रेट मीन्स हाई वाटर और डेका मीन्स 10, तो 10 इसमें क्या होते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारे पास, Na2CO3 फॉर कार्बोनेट एंड 10H2O फॉर वाटर मॉलिक्यूल्स। सोडियम कार्बोनेट विच डज नॉट कंटेन एनी वाटर, अगर ये वाटर मॉलिक्यूल्स एबसेंट हो तब इसे क्या बोला जाएगा, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये 10 मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे बेटा, सिर्फ Na2CO3 फॉर्मूला रह जाएगा। एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट को कॉमनली हम किस नाम से जानते हैं, सोडा एश भी बोल दिया जाता है बेटा, ठीक है। तो एग्जामिनर आपसे इस नाम से भी आपसे पूछ सकता है। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा कैसे बनाया जाता है, कहते हैं वॉशिंग सोडा इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड अगेन NaCl कॉमन सॉल्ट जो हमारा होता है, ठीक है। और तीन स्टेप्स में बनता है बेटा ये उससे। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, कहते हैं कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसे ब्राइन बोल दिया जाता है, हम डिस्कस कर चुके हैं, उसकी रिएक्शन करवाई जाती है अमोनिया से और कार्बन डाइऑक्साइड से टू ऑब्टेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सबसे पहले प्रोसेस में क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपस में रिएक्ट करके हमें क्या देते हैं बेटा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या कर दिया जाता है, फिल्टर किया जाता है और हीट किया जाता है काफी ज्यादा, जब तक ये ड्राई ना हो जाए, ठीक है। और हीट करने पर ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है बेटा, डिकम्पोज हो जाता है सोडियम कार्बोनेट में। देखिए आप, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को काफी हीट किया जाएगा अप टू ड्राई होने तक, और ये क्या हमें देगा, सोडियम कार्बोनेट, यानी कि सोडा एश बन गया, राइट। डिहाइड्रेटेड हमारे पास बन गई, एब्सेंस है जिसमें हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स, वो बन गया एनहाइड्रस, हमारे पास वॉशिंग सोडा बन गया, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी रिमूव हुआ है। अब इस एनहाइड्रस में पानी मिला दिया जाए, राइट, तो थर्ड स्टेप में क्या हो जाता है, इस सोडा ऐश को वाटर में डिजोल्व करके इसके क्रिस्टल्स बना लिए जाते हैं और हमारे पास क्या आ जाता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट हमारे पास वॉशिंग सोडा बन करके आ जाता है। उसके बाद बेटा वॉशिंग सोडा के यूजेस आपके सिलेबस में है वो देख लेते हैं। कहते हैं वॉशिंग सोडा यूज फॉर मेनी पर्पसेस, सोडियम कार्बोनेट और वॉशिंग सोडा इज यूज एज अ क्लींजिंग एजेंट, ये हमारे पास कपड़े धोने के में क्लींजिंग एक्शन का काम करता है, क्लींजिंग एजेंट का काम करता है, ये बहुत अच्छे से क्लोथ्स को क्या करता है, साफ करता है। इनफैक्ट सोडियम कार्बोनेट इज अ कंपोनेंट ऑफ मेनी ड्राई सोप पाउडर्स, कहते जो हमारे ड्राई सोप पाउडर्स होते हैं जैसे कि हमारे डिटर्जेंट वगैरह, उनमें सोडियम कार्बोनेट पाया जाता है। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, सोडियम कार्बोनेट को का इस्तेमाल वाटर की परमानेंट, बेटा एक टेम्परेरी हार्डनेस होती है, एक परमानेंट हार्डनेस होती है, तो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सोप एंड पेपर, सोडियम कार्बोनेट का जो इस्तेमाल है वो ग्लास बनाने में, सोप बनाने में, पेपर इंडस्ट्री में भी होता है। इसके अलावा सोडियम कार्बोनेट को और किस में इस्तेमाल किया जाता है, सोडियम कंपाउंड्स, बहुत सारे और सोडियम कंपाउंड्स बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू।